guys, welcome back to our channel. I'm Shweta. I'm Shreya. So guys, we are back with another video today. और आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं मानुष के ऑफिशियल ट्रेलर पे. हमने टीजर पे रिएक्शन दिया था और इसका ट्रेलर भी आउट हो चुका है. टीजर बहुत अच्छा था, छोटा सा था बट काफी इंटरेस्टिंग था. सो एक्शन से भरा हुआ था एंड वी वर वेटिंग फॉर द ट्रेलर. तो हमें रिक्वेस्ट आया कि मतलब हमें बताया कि कमेंट में की ट्रेलर आ चुका है, तो हमने सोचा कि इस पर रिएक्शन करते हैं. तो हम लोग पहले देख लेते हैं ट्रेलर एंड आफ्टर दैट वी विल गिव आवर रिएक्शन. तो स्टार्ट करते हैं. आया तर मौतेर मालिक अल्लाह, तू यह तो कष्ट करतीस क्या? ওর বেঁচে থাকার একটা সিগনেচার আওয়াজ আছে. এই টাকা দুনিয়ায় ব্যবসার লাভ লস ঠিক করে দেয়, কে হয় রাজা আর কে প্রজা. ইনফরমেশন আছে, কেউ একজন ডাবল ক্রস করছে. কালো টাকার দুনিয়ায় তোরা দাস আর পরিণতি এভারেস্ট লাশ. অর্জুন পিওর ফ্যামিলি ম্যান ম্যাডাম. আমি অনেস্টলি কাজ করে সারা জীবন শুধু নিজের মেয়ের কাছে হিরো হয়ে থাকতে চাই. উড়িয়ে দে, টাকা দিয়ে যখন কিনতে পারছিস না উড়িয়ে দে. আন্ডারওয়ার্ল্ড মে জো আজ দুশ্মন হ্যায় ও কল দোস্ত বন হি সকতা হ্যায়. কিউ চাহিয়ে ইতনা পয়সা তুঝে? আপনাকে খুঁজতে পুলিশ এসেছিল বাড়িতে. সব কিছু দেখতে হবে না. তুমি আমারই হবে এটা লেখাই ছিল. ভালোবাসারে হাওয়া আমায় অর্জুনের প্রাণ ভোমরাকে. এই আন্ডারওয়ার্ল্ড এর রাস্তা ওয়ান ওয়ে, এখানে ফেরার পথ নেই, ফেরার পথ থাকে না. দেখেছো হাসি মানুষের জীবনের গল্পগুলো কিরকম ইন্টারেস্টিং, তাই না? দেখতে মানুষের. একটা কথা বল, আমি সত্যি জানি না ও কোথায়. মানুষ দেখতে মানুষের মতো. মানুষ হিসেবে আমি হারতে পারি কিন্তু বাবা হিসেবে আমি জিততে চাই. टीजर तो छोटा सा था, एक मतलब ग्लिम्स दिखाया था लिटरली. कुछ समझ मतलब समझा नहीं था उसको देख. नहीं मतलब समझा था बट उसको नहीं समझा. स्टोरी अलग लग रही थी. क्लियर नहीं था. हाँ उसको वो, हाँ ये बात है. टीजर और ट्रेलर जो है, टीजर में स्टोरी डिफरेंट लग रही थी और ट्रेलर टीजर में देख के लग रहा था कि जीत. हाँ मतलब हा, जीत ही शायद ग्रे ग्रे शेडेड कैरेक्टर. हाँ, ग्रे शेडेड कैरेक्टर है. मतलब वही विलेन है, वही हीरो है. हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे क्लियर हुआ ये चीज के साथ वो चेंज हुआ है. मतलब वो होता है ना कि विलेन पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है. वही बेसिकली यही था कि भाई बॉन्ड कोई विलेन नहीं होता बट उनके साथ जो होता है, उनके साथ जो होता है, उनको जिस जिस चीजों से गुजरना पड़ता है, कभी कभी वो जब एक इंसान के इमोशंस को ओवर पावर कर जाता है तब वो इमोशंस जब इंसान मतलब वो इमोशंस नहीं वो सारी चीज. हाँ. फिर जब आप देखते हो चारों तरफ कुछ भी नहीं मिल रही है, तो बुरा ही हो रहा है. उल्टा और बुरा हो रहा है. गलत काम कर रहे हो और जब साथ ही अच्छा है तो उसी रास्ते में चला जाता है. वो चीज ओवर पावर कर जाती है तभी इंसान ये आता है. इसमें दिखा रहे ये इसका स्टोरी है. एंड में वो चीज नहीं होगा. एंड में एंड में वापस चेंज हो रहा है. जो गलत करता है उसका उनको फल मिलता है. कर्मा कर्मा अभी नहीं तो कभी ना कभी तो मिलता ही है. आज हो कल हो नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा जरूर. कर्म नहीं छोड़ता. यूनिवर्स इज एवरीथिंग.
मतलब वो जो सर्कल होता है इसी के दैट सर्कल। अगर किसी ने असुर सीरीज देखा है यहाँ पे असुर सीरीज और किसी को कर्मा की थ्योरी पता है सीरीज की भी बात नहीं है सीरीज से भी इतना क्लियर नहीं होगा कर्मा की अगर थ्योरी, हाँ, थ्योरी अगर पता है तो आपको समझ आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या बेसिकली अभी के टाइम पे मोस्ट ऑफ द मूवीज जो आ रही है वो मूवीज में ये चीज को काफी ज्यादा उभारा गया है कि कर्मा इज रियल। सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे। एक वो सॉन्ग था मानुष देखते और मानुष मौतों मतलब इंसान दिखता इंसान कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं अभी 90% हाँ मतलब बेसिकली 95% ही है कि दिखते इंसानों की तरह है लेकिन अंदर से भेड़िए नहीं बेसिकली मतलब अंदर से मतलब बेसिकली यहाँ पे दिखाना ये चाह रहे हैं कि इंसान तो आखिर इंसान के जैसे ही दिखेंगे बट कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो सामने से कुछ और होते हैं और पीछे हाँ मतलब मैक्सिमम सामने से कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। वो कहते हैं ना कि फेस पे मास्क डालकर रखा है दो शक्ल वाले इंसान सामने कुछ और पीछे कुछ और इट्स लाइक दैट। और जीत का लुक बहुत अच्छा लग रहा था। इसके पहले जो चेंगीज आई थी दैट मूवी वाज टोटली डिफरेंट और ये जो मूवी है ये टोटली डिफरेंट है बिल्कुल डिफरेंट। मुझे वो टीजर देख के लगा था कि हो सकता है कुछ सिमिलैरिटी नहीं नो टीजर का स्टोरी बिल्कुल ही अलग है और उसका स्टोरी बिल्कुल ही डिफरेंट था। टीजर पे ये लगा था कि ये मूवी शायद इंसानों के ऊपर है एंड दैट लाइन वाज हार्ट टचिंग दैट आमी बाबा हिसाबे आमी मानुष हिसाबे हारते पारी किंतु आमी बाबा हिसाबे जीतते चाहिए ना जीतते चाहिए मतलब मैं एज अ ह्यूमन मैं हार सकता हूँ बट एज अ फादर मैं नहीं हार सकता। आई हां दैट वाज बहुत अच्छा था मुझे बहुत सही में बहुत टचिंग लगा ये ट्रेलर। जो टीजर था उससे हमें लग रहा था कि ये मूवी शायद इंसानों के ऊपर है बेसिकली इंसानों के ऊपर ही है लेकिन ये अंडरवर्ल्ड वगैरह ये सब के ऊपर है लेकिन ये चीज इसमें वो अंडरवर्ल्ड पे एक बार चले गए तो वहां से आप वापस नहीं आ सकते और अगर वापस आ भी रहे हैं तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा काफी डिफिकल्ट है। और इसमें बेसिकली वो कर्मा साइकिल को बहुत अच्छे से समझाया गया है बहुत ट्रेलर से तो हम लोग इतना नहीं कह सकते बट मूवी देख के ऑब्वियसली समझ आ जाएगा। बट बहुत अच्छा था ट्रेलर हमें बहुत मजा आया। वी होप आपको अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो डाले तो आपका नोटिफिकेशन जा सके। अब हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।